मोदी जी को क्या कहेंगे आप लोग? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को ही घोषित कर दिया है पप्पू, और उनने पूरे चुनाव में जो ये रो के गा के ऊटपटांग मंगलसूत्र भैंस चोरा ले जाएंगे ये कर लेंगे, तो ये देश की जनता जान गई कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पप्पू नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी को करारा तमाचा मारा है जब देश की जनता ने, और अब पप्पू घोषित कर दिया है नरेंद्र मोदी जी को जाएंगे चुनाव जा रही है। और 400 पार लेकर तो हमें लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाकर उनने अपना ही उल्टा उनने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और कांग्रेस और कांग्रेस का जो भी गठबंधन का कार्यकर्ता सदस्य रहा है पोलिंग बूथ पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा, और हमारी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सीट कम से कम 300 प्लस जाएगी। अभी तो ये रुझान है 300 के ऊपर ही जाएगी कांग्रेस इंडिया गठबंधन, वो देखते चलिए आप ऐसा ही भविष्य में। सर क्या नाम है आपका? लूंगा मत सुमित, बताइए क्या कहेंगे? जो भाजपा का 400 का था वो तो 300 पार भी नहीं कर पा रही, इतना 200 250 के समथिंग रहेगा उसका ग्राफ। क्या नाम है आपका? सियाराम। क्या नाम है? पटेल। हाँ, क्या कहेंगे आप? जो मोदी जी बोलते हैं 400 बार आपकी बात, तो हमें लगता है वो 250 पे ही रह गए हैं। वो बोलते हैं खटपट फटपट, वो तो हो गए हैं मोदी खटपट। मोदी तो चले गए हैं जी। निश्चित रूप से इस बार का लोकसभा चुनाव जो देश में हुआ है वह बेरोजगारी के खिलाफ, जो अराजकता का माहौल था उसके विरोध में, महिला अत्याचार के विरोध में जनता जागरूक हुई, और मोदी और भाजपा के आडंबर में ना फंसकर जनता ने इस बार एक सच्चे सिपाही राहुल गांधी जी, जो देश के बारे में सोचते हैं, उनके परिवार से जो कुर्बानियां दी हैं, और जो निश्चित रूप से साफ स्वच्छ राजनीति करते हैं, उनकी बात लोगों ने सुनी, आमजन ने सुनी कि ये निश्चित रूप से संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी सरकार में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा था उसके खिलाफ लोगों ने खुलकर वोट दिया, जिसके परिणाम हम सब अभी देख रहे हैं जी। महंगाई की रानी भी चुनाव हार रही है, स्मृति ईरानी महंगाई की रानी थी, जो गैस सिलेंडर 400 से नीचे लाने वाली थी, पेट्रोल गैस पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर में उनको कम करना था जो बढ़ा दिए थे, तो इस बार महंगाई की रानी स्मृति ईरानी जी भारी बहुमत से चुनाव हार रही है, और अब वो लौट के अभी अमेठी को माफी मांग कर जाएंगी जनता के मतलब समक्ष कि कांग्रेस वहां पर उनको कैसे उनने जीत हासिल की थी उस समय झूठ बोलकर, इस बार जनता ने उनको सबक सिखा दिया है, और स्मृति ईरानी अब टाटा बाय बाय हो चुकी है जी। सुधांशु जी क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की सरकार जिस तरीके से बनने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं थी निश्चित तौर से, जो अभी तक रुझान आए हैं 1 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास इंडियन गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, जो अपने आप को पूरे देश का सिंगल नेता मानते थे मोदी जी, वो मात्र बनारस से 83,000 वोटों से आएंगे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब दो दो सीटों से चुनाव लड़े हैं, चाहे वो वायनाड की बात हो चाहे वो रायबरेली की, करीबन 2 लाख से वोटों से आगे हैं। निश्चित तौर से जो तानाशाही हिटलरशाही जो सत्ता लोभ का एक प्रलोभन देकर मोदी सरकार अपने आप को अहम की राजनीति बताती थी, अब की बार 400 पार इनका नारा समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में और आने वाले कुछ ही घंटों में इंडियन बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा चुनाव आप देख रहे हैं अभी आ रहा है कि 293 और 233, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप कितना झूठ बोल रहे थे और कितनी तेजी से बोल रहे थे। इस बार जनता ने वास्तविकता जो इंडिया गठबंधन हमारे गठबंधन ने जो वास्तविक जनता के मुद्दे जो रखे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, सारे मुद्दों को लेकर ही चुनाव में गए हैं। और हमें लगता है जिस प्रकार से अभी न्यूज चैनल बता रहे हैं, तो वास्तविकता लोगों ने भी मुद्दों पर जी को क्या कहेंगे आप? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को ही घोषित कर दिया है पप्पू, और उनने पूरे चुनाव में जो ये रो के गा के ऊटपटांग मंगलसूत्र भैंस चोरा ले जाएंगे ये कर लेंगे, तो ये देश की जनता जान गई कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पप्पू नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी को करारा तमाचा मारा है जब देश की जनता ने, और अब पप्पू घोषित कर दिया है नरेंद्र मोदी जी को।